is brought to you by Cuckoo FM. Download the app now. नमस्ते, मेरा नाम सुमित है और आप देख रहे हैं दी लल्लन टॉप। दी लल्लन टॉप का ये बेहद खास प्रोग्राम है जिसका नाम है किताब वाला। किताब वाला में हम बातें करते हैं किताबों की, वो किताबें जो अभी फिलहाल चर्चा का विषय है, वो किताबें जिन्हें पढ़ा सुना जाना चाहिए, वो किताबें जिनकी चर्चा होनी चाहिए। ये शो है उन किताबों पर। आज के किताब वाला में आगे बढ़ेंगे, आज के मेहमान से बात करेंगे, उनकी किताब पे बात करेंगे। लेकिन एक बहुत जरूरी सूचना ये भी है, किताबों से हम सब जुड़ते हैं कई तरीकों से। आपके पास हार्डबाउंड किताबें होती हैं, बाद में पीडीएफ का चलन आया, लेकिन इस वक्त में ऑडियो बुक्स का खूब अच्छा चलन है। ऑडियो बुक्स आप आमतौर पर जब वर्क फ्रॉम होम में आप आटा गूंथ रहे हैं, कोई काम कर रहे हैं, किसी भी तरह का काम कर रहे हैं, आप किताबें सुन सकते हैं। आपको पढ़ने की बहुत जरूरत इसलिए नहीं पड़ती क्योंकि आपके पास सीधे सीधे किताबें आपके सुनने से जुड़ती हैं, ये कर सकते हैं। और इसके लिए एक स्पेशल ऐप है कुकू एफएम। कुकू एफएम में ये सारी सुविधाएं हैं, आप उस पर जाके तमाम तरह की किताबें पढ़ सकते हैं। आपके साथ एक चीज और अच्छी होगी, क्योंकि आप हमारे दर्शक हैं तो आप उसमें एक कोड डाल करके डिस्काउंट भी ले सकते हैं। वो कोड है LT20, L फॉर लल्लन, T फॉर टॉप, 2 और 0, LT20। ये डाल करके आप उस पर स्पेशल जो है वो छूट ले सकते हैं। इसके बाद अब हम आगे बढ़ते हैं, आज के अपने मेहमान से बात करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं, उनका नाम आपने कई बार फिल्मों की क्रेडिट प्लेट पे देखा होगा। आप उनका नाम सुनते ही कहेंगे कि हाँ, ये हमने कई बार सुना है। लेकिन फिलहाल जीवन की जो जिसे दूसरी पारी कहते हैं, उसके बाद ये एक किताब के साथ हमारे बीच में है और वो बेहद जरूरी किताब है। मुझे पढ़ने पे ऐसा लगा कि जो फिलहाल हम जो खुद में इन्वेस्ट करते हैं अपनी मेंटल हेल्थ में, अपनी सोशल हेल्थ में, बाकी हर तरह से, वो ये किताब इसलिए बहुत जरूरी है। किताब का नाम है स्किलेट और उसके राइटर रॉनी स्क्रूवाला हमारे साथ फिलहाल मौजूद है, जिन्हें अब आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे होंगे। बहुत बहुत स्वागत है सर हमारे इस प्रोग्राम में। स्वागत आपको भी और वेरी हैप्पी टू बी हियर। और प्रश्न पूछिए जी। रॉनी सर, मैं बाकी अपने दर्शकों को भी बता दूं कि जो भाषा की दिक्कत है थोड़ी सी वो आएगी, क्योंकि रॉनी सर एकता हिंदी में हाथ जिसे कहते हैं थोड़ा तंग है। वो मैंने पिछले इंटरव्यूज में, जबकि मैं बेसिक रिसर्च कर रहा था सर, तो आपके जो इंटरव्यूज में ढूंढ रहा था, मैं ढूंढते मैंने बहुत कोशिश की कि हिंदी में कुछ मिले आपके साथ, लेकिन हिंदी में बहुत कम कंटेंट है, एक आध सोच विचार तो हिंदी में होते हैं। मैं अभी तो 1000 स्क्रिप्ट हिंदी में पढ़ रहा हूँ, जो हमें पिछली बारी में जो हम फिल्म और टेलीविजन और मीडिया में कर रहे थे, अभी भी हम जो शिकायत कर रहे हैं और सिखावत कर रहे हैं जो अफगान के साथ, वो भी कोर्सेज हिंदी में होते हैं। तो पर हमारा पारसी अपब्रिंगिंग है, अभी पारसी लोग को तो थोड़ा कुछ हिंदी में प्रॉब्लम होता ही ज्यादा। तो आई एम वेरी हैप्पी कि जो मैंने बुक मैंने जो हमारी जबान में लिखी है, हमारी फर्स्ट पर्सन में लिखी है, वो हिंदी में ट्रांसलेशन के लिए हमारे कॉलीग्स आ गए थे। और मुझे लगता है कि जो जैसे मैंने इंग्लिश में बात की और जैसे मैंने नैरेट की कि जैसे मेरा लर्निंग्स था, फेलियर था, कठिनाई थी, वो जो बुक में अभी हिंदी ट्रांसलेशन हो गए, तो मुझे लगता है बिल्कुल कनेक्ट हो सकता है जी। सर, मैं और इसी कम्युनिकेशन की बात से, लैंग्वेज की बात से ही आपकी किताब का पहला चैप्टर भी शुरू होता है कि कम्युनिकेशन ही सब कुछ है और सब कुछ कम्युनिकेशन है, जो कि हम कम्युनिकेशन की मास्टर्स की क्लासेस में, बैचलर्स की क्लासेस में पढ़ते चले आते हैं। ये आपका पहला चैप्टर भी है, लेकिन इससे बात करने से पहले मैं एक आपसे चीज पूछना चाहता हूँ। जब मैं अपनी बेसिक रिसर्च कर रहा था तो भी, और एक मुझे शख्स ने कहा कि आप उनसे ये जरूर पूछना, आपके बारे में एक बात कही जाती है कि एंटरप्रेन्योरशिप पे आप बहुत सारी बातें कहते हैं, एक पूरी जनरेशन आपने तैयार की है एंटरप्रेन्योरशिप पे, कि जब आप 10 या शायद 12 साल के रहे होंगे और उस टाइम पे आपने घर की गैलरी में जो जो एक्टर्स आते थे उनके साथ फोटो खिंचाने के लिए आपने अपनी गैलरी में टिकट लगा दिया था, क्या ऐसा, ये सच है? बिल्कुल सच है। हम ग्रैंड रोड, मुंबई में ग्रैंड रोड है, वहाँ ग्रैंड रोड स्टेशन के पास में रहते थे, वहाँ नवल्टी सिनेमा था और वो दिन टेलीविजन इतना ज्यादा नहीं था, तो प्रीमियर मतलब रेड कार्पेट प्रीमियर था। तो जितेंद्र, धर्मेंद्र, संजीव कुमार लेजेंड्स आ रहे थे और खाली एक ही वरांडा था
जहां से लोग ऊपर से देख सकते थे, नहीं तो सब भीड़ रास्ते पे थी, एक्टर आते थे और पुलिस का लाठी चार्ज हो रहा था। तो ये जो वेंटेज पॉइंट पे हम रहते थे एक पहला माला एडजॉइनिंग बिल्डिंग में, तो वो मैंने पिताजी और माताजी को बोला था, क्योंकि हम लोग बैकग्राउंड हमारा बहुत लोअर मिडिल क्लास था, कि थोड़ा टिकट बेचे और 10-20 लोग को इनवाइट करें। ये मतलब बेहद आश्चर्य की बात है जब भी कोई सुनता है तो, और मुझसे ये पूछा गया कि आप उनसे पूछे कि ये सच है या नहीं, क्योंकि इंटरनेट पे इस तरह की बात है, तो जैसा आप बता रहे हैं। अच्छा, ये किताब लिखने से पहले, जैसा कि किताब में भी कहा गया कि इससे पहले आपने हजार से ज्यादा वर्किंग प्रोफेशनल्स से बात की, उनकी प्रॉब्लम्स पे बात की और उनसे किस तरह से वो किन पॉइंट्स पे जूझते हैं, इन सब सारी चीजों पे बात की। जो पहला चैप्टर आता है सर आपका कम्युनिकेशन का, उसमें अमिताभ कांत की आपने बात की है, जो आईएएस ऑफिसर थे केरला कैडर के, और वहां पे जाकर के किस तरह से उन्हें कम्युनिकेशन की से उन्होंने चीजें हैंडल की। तो इस तरह से मतलब मैं जानना चाह रहा हूँ कि इस कम्युनिकेशन पे जो आपका बहुत ज्यादा जोर है, इस पूरी किताब का पहला चैप्टर है, उसको थोड़ा इलैबोरेट करें कि ये किस तरह से काम करता है। देखिए, मैं मेरी खुद की एग्जांपल दे रहा हूँ, क्योंकि जो हम ग्रोइंग अप थे मतलब लोअर मिडिल क्लास, तो मैंने बीकॉम किया, उसमें से इंटर में मैंने फेल हुआ था। तो वो बार मैंने क्रॉस रोड हुआ था कि मैं शुड आई बिकम एन एंटरप्रेन्योर और नॉट। तो मैं क्या सोच रहा हूँ कि जो मैं हूँ, मैं प्रोडक्ट हूँ सॉफ्ट स्किल्स से, और वो जब हम 16 साल के थे, मुझे नहीं लगता है कि हमारी जबान की, कि कम्युनिकेशंस की कॉन्फिडेंस बहुत कमजोर थी। अभी मैं आपके साथ बात कर रहा हूँ, वो भी हिंदी में, इंग्लिश में थोड़ा और थक करके बात कर सकते हैं, अपनी तरह से बात कर सकते हैं, पर वो टाइम पे बिल्कुल। तो मुझे लगा कि मैंने जो डिग्रीज नहीं पाई है और इतना फेलियर्स, थोड़ा सक्सेस, थोड़ा फेलियर्स, थोड़ा सेटबैक, और जो भी मैं आज हूँ वो सॉफ्ट स्किल्स की वजह से, क्योंकि मैंने एकदम फोकस किया था कि अगर मैं डिग्री लाऊं पर प्रेजेंट नहीं कर सकूं, हमारा जो कहानी है, हमारी जो स्टोरी है, हमारी जो इच्छा है, हमारी जो एम्बिशन है, हमारी जो विजन है, हमारी जो सोल्यूशन है, वो सब कुछ कम्युनिकेशन के बगैर मतलब। और मैं देख रहा हूँ ज्यादा कर अभी भी कि लोग डिग्री लेते हैं और फिर पहला इंटरव्यू में ही इम्प्रेशन नहीं होते, तो वो फर्स्ट क्लास फर्स्ट आ गया, लेकिन सॉफ्ट स्किल्स में इतना कमजोर होने के बाद भी उसको करेक्ट पोजीशनिंग करियर नहीं मिलती है। तो मैं खास करके ये बुक, ये चैप्टर और ये पूरी बुक के लिए एक ही मोटिवेशन था कि यार सॉफ्ट स्किल्स इज एज इम्पॉर्टेंट एज हार्ड स्किल्स। तो आप वो नजर नहीं डालेंगे और खाली पढ़ाई के बारे में करेंगे तो तकलीफ हो जाएगी, क्योंकि आप कैसे टीम वर्क करेंगे, कैसे कॉन्फ्रेंस में बात करेंगे, कैसे कम्युनिकेशन से बात करेंगे, आपका खुद का क्या कॉन्फिडेंस कैसे ऊपर आएगा। खाली सीवी लेके तो आप ढूंढ नहीं सकते, उसके सबसे सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं होते। तो वो उसके लिए ये बुक लिखा है, क्योंकि मुझे लगता है कि ये भारत में हम लोग जो सोचते हैं ज्यादा करके सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड सॉफ्ट स्किल्स की बहुत जरूरत है। जी, अब इसी से मेरा दूसरा सवाल भी उपजता है कि रोनी जी, आपने जैसे इस पूरी किताब को, मैं पहले चैप्टर पे हमने बात की और इसके बाद भी सारी चीजें करियर रिलेटेड ही हैं, किस तरह से सेल्फ मोटिवेशन या किस तरह से कॉन्फिडेंस आता है एक व्यक्ति जो परसू करने जा रहा है जीवन आगे करियर में, क्यों जरूरत आपको महसूस हुई कि इस तरह की एक किताब होनी चाहिए? क्योंकि करियर पे बहुत पहले बहुत सारे लोगों ने बहुत कुछ कहा है, बहुत सारे प्रोफेशनल्स हैं, बहुत सारे मोटिवेशनल स्पीकर्स ने किताबें लिखी हैं, आपको क्यों ऐसा लगा कि एक किताब की जरूरत है जिसमें कि आप कुछ नई चीजें बता पाएंगे? नई चीज होती है जब नई कहानी होती है और नई तरीका होता है जैसे बताए। तो मैं यहाँ मोटिवेशन के लिए बुक नहीं लिखा है कि यार ये तीन चीज करो और सॉल्यूशन हो जाएगा। मैं खास करके बुक फर्स्ट पर्सन में लिखा है मैंने कि ये मेरी कठिनाई थी, फिर मैंने हजार लोग के साथ बात की, उसने पूछा कि तुम्हारा करियर में तीन क्रॉस रोड क्या होता है, फिर मैंने एक्सपर्ट्स के साथ पूछे। तो मुझे लगता है ये कहानी जो है वो सब लोग को पसंद आएगी, क्योंकि प्रैक्टिकल एडवाइस है और थोड़ा मैनेजमेंट जागरण कम है, थोड़ा सेल्फ एक्सपीरियंस ज्यादा है, थोड़ा समरी पॉइंट्स एकदम शार्प है। तो मुझे लगता है कि मैंने हमारा जिंदगी में व्हेन आई बिकम शार्प और मैं कम्युनिकेशन जब शार्प करता हूँ तो वो रजिस्टर होते हैं। मुझे लगता है वो सॉरी
is the main USP, as I would call it, or the main difference for this book? जी, अब बात करते हैं कि जो आपने कहा कि आपने ये किस लिए किताब लिखी, और वो मुझे जहां तक समझ में आया, मैंने जब किताब का अगला हिस्सा पढ़ा और उसके अगले तक पहुंचा, आपको जब अपने करियर में पहली बार बैंक लोन चाहिए था, जब आप बैंक पहुंचे और ऑफिसर के सामने आप बैठे, आपको बैंक का लोन चाहिए था, और आपने किस्सा गोई की, आपने स्टोरी टेलिंग की बात की है, लेकिन ये किस्सा गोई वर्किंग स्टोरी टेलिंग जो आपने बात की, वो बिल्कुल नया टर्म है। मतलब मैं पढ़ करके मुझे लगा कि ये मैंने इससे पहले कभी नहीं सुना था। आप जो स्टोरी टेलिंग की बात कहते हैं और जिस तरह से आपने वो लोन सैंक्शन कराया, वो स्टोरी टेलिंग वाली बात थोड़ी सी इलैबोरेट करें कि उसकी जरूरत कहां तक महसूस होती है आपको। देखिए, मुझे बिल्कुल ये है कि सबके पास अपने आप की कहानी होगी। बचपन में ये कुछ हुआ था, कॉलेज में ये कुछ हुआ था, फ्रेंडशिप में कुछ ये हुआ था, माता पिता के साथ ये कुछ हुआ था। तो इसलिए मैंने जो दूसरे एग्जाम्पल दिए, क्योंकि एक चीज था, जब मैं इंटरव्यू के पास गए, आप जॉब के इंटरव्यू के पास गए, मैं बैंक लोन का मैनेजर के पास इंटरव्यू, वो भी इंटरव्यू हो गया जॉब की जैसे, क्योंकि उसने रिफ्यूज कर दिया होगा। तो जैसे किसको पास जो जॉब चाहिए और वो भी मना कर दे, इतना रिस्क था। तो व्हेन यू गो इन एंड यू फील आई हैव नो चॉइस, आई हैव टू विन, आई हैव टू कन्विंस, तो देन योर माइंड रीत रिवाज बहुत बदल जाते हैं। और सो यू हैव टू गो इन विद आई हैव नो चॉइस। तो मुझे ये शुरू करना ही था, वो मशीन खरीदने ही थे, मुझे लोन चाहिए ही थे, तो कुछ ना कुछ तरीके से मैं वहां सीट से उठने वाला नहीं था। तो वो टाइम पे जब कोई आगे देखे आपको कि बोलो बस अभी नहीं बोल दे, अभी और क्या बातचीत करनी है, तो फिर बात कैसे और बढ़ाए, क्योंकि उसने बोला मना कर दिया, तो फिर आप रुकेंगे आधा सेकंड, उसके साथ कुछ और बात करेंगे, टॉपिक थोड़ा चेंज करेंगे। वही तरीका होता है आपके टीम लोग के साथ, कि जब एक दो लोग के बोले कि हाँ तुम राइट नहीं हो, मैं रॉन्ग हूँ, ये राइट हो, सोल्यूशन कैसे हो सकते हैं। तो वो जो मैंने एग्जाम्पल दिए है, एक चीज के गो इन टू समथिंग विच यू डोंट हैव अ चॉइस, कि मतलब सॉल्व करना ही है, और दूसरा कि यहां से नहीं तो वहां से नहीं तो यहां से, यू हैव टू सॉल्व द प्रॉब्लम। ये लेसन जो मैंने बहुत जल्दी सीखे थे, उसकी वजह से मुझे टीम वर्क और रिस्पेक्ट, कि यार आपने मना कर दिया डजंट मीन इट्स अ नो, बिकॉज बेसिकली आप किसी और की जजमेंट की पकड़ लो, तो यू हैव टू ट्राई एंड कन्विंस देम अदरवाइज। सो दैट्स व्हाई आई थिंक इट्स वेरी पावरफुल। जी, एक अब इसी से एक चीज और आती है कि आपके आपका जो फिल्मी जो प्रोड्यूसिंग का करियर रहा है, मतलब जितनी सारी बेहतरीन फिल्मों में आपने प्रोड्यूस की हैं, आपने वो उस पर बात करने के लिए समय कम पड़ जाएगा, फिर भी बात आज किताब पे कर रहे हैं तो उस पर ज्यादा बात करेंगे। एक किस्सा फिर भी मैं आपसे पूछना चाहूंगा, स्वदेश की आपने उस किस्से की चीज लिखी भी है, वो किस्सा लिखा है इस किताब में, जब शाहरुख खान शूट कर रहे थे स्वदेश, और किस तरह से वो जाते हैं वहां पे, उसे थोड़ा सा उस किस्से को बताइए कि वो किस तरह से आपको लगा कि इस किताब में रखना जरूरी है। देखिए, वो जो जो पिक्चर वो टाइम पे नहीं चलती है ना, तो हमारा भाषा है कि थोड़ा वो बिफोर इस टाइम हो गया, पर अभी आप देखेंगे तो सब लोग अभी तक स्वदेश जो पिक्चर था वो उसकी बात करते हैं, तारीफ करते हैं बहुत ज्यादा। और जो हमारा फाउंडेशन भी है, मैंने उसको स्वदेश करके स्वदेश फाउंडेशन भी बनाया था। तो वो टाइम का जो है ना, तो मुझे इतना टच हुआ, दो चीज हुई थी, क्योंकि डायरेक्टर को इतना परफेक्शन चाहना था कि ये मैं फिल्म सिटी में नहीं करूंगा शॉट, मुझे वो ही लोकेशन पे चाहिए जहां से वो तीन माउंटेन ऐसे लिखते। और एक एक्टर था जो समझ रहे कि यार मैं सुपरस्टार हूं, अभी मैं यहाँ क्यों तीन घंटे ड्राइव लेके जाता हूँ ये एक शॉट के लिए, ये तो फिल्म सिटी में, फिर भी उसने किए। तो ये जो रीत रिवाज है दोनों को, एक कप जो परफेक्शन है और बीजा जो दूसरा जो है एक्टर है, वो भी इंसानियत है कि यार हम मेरा टीम वर्क है, कैप्टन ने बोला करो तो करो, यार नहीं कि मैं सुपरस्टार। तो ये एटीट्यूड आप देखते हैं आपका जॉब में कि वो ही लगेगा, क्योंकि सब लोग बोले यार मुझे आंसर मालूम है, मैं क्यों उसकी बॉस की सुनते हूँ। तो वो रीत रिवाज के लिए मैंने खास ये चैप्टर सुनाया था कि गिव एंड टेक is very important. आप आर्मी में जाएंगे और तो there is no, they only go yes sir, no sir, there is no other sir, right? You can't do that in your office environment.
तो ये एक्चुअली चैप्टर मैंने बोला था कि इवन इफ यू आर अ सुपरस्टार एंड यू थिंक सब प्रश्न का जवाब मुझे मालूम है यार, क्यों मैं इसकी सुनूं, फिर भी उसने समझे कि यार मैंने साइन अप कर दिया, आप कैप्टन हो, आप डायरेक्टर हो, जो भी आप बोलेंगे मैं करूंगा। वो एटीट्यूड के साथ आप करेंगे ना, और फिर नहीं बैठ के बोलेंगे कि नहीं यार आई एम सुपीरियर, उससे टीम वर्क बहुत ज्यादा होता है। जी, एक रॉनी जी, एक नया टर्म मुझे इसमें किताब में पढ़ने को मिला, बहुत ही मतलब वो आश्चर्यचकित करने वाला टर्म है, लेकिन जिस तरह से आपने उसको यूज किया है, न्यू लोन, लिसन, ऑब्जर्व और लर्न, तो ये थोड़ा इस टर्म को डिफाइन करिए कि किस तरह से जो करियर में जो लोग सेल्फ कॉन्फिडेंस के लिए बिल्कुल क्रेविंग है जिनमें, वो इस टर्म से कैसे उनको मदद मिलती है, और इस किताब में आपने उस पे पूरा एक वो लिखा है। कौन सी टर्म, सॉरी कौन सी टर्म? न्यू लोल, LOL, लिसन ऑब्जर्व एंड लर्न। हाँ, तो ये जो LOL जो अपना जो इमोजी आते हैं और इनको भी यू नो हंसी की कि लाफ आउट लाउड इज LOL, राइट? तो मैंने खाली याद रखने के लिए, क्योंकि ज्यादा करके जो कहानी बताते हैं आप, अभी मैं इंटरव्यू कर रहा हूं, एक दो चीज व्यूअर को याद रहना चाहिए। तो एक दो चीज आप थोड़ी एड़े से बात करें तो बोलेगा हाँ होता है, मैंने सुना था, उसको नया आइडिया आ गया, कुछ नया वोकैबुलरी आ गया, कोई नया वर्ड आ गया, कुछ नया आइडिया आ गया, कुछ नया टाइप हो गया। तो LOL मैंने चुना था कि सब लोग बोलते हैं लाफ आउट लाउड LOL, तो कैसे याद रहे कि एक्चुअली LOL ऑल्सो मीन्स लर्निंग एंड लिसनिंग, लर्निंग एंड लिसनिंग, क्योंकि कम्युनिकेशन में भी ज्यादा करके सब लोग बोलते हैं कम्युनिकेशन के में जो बातचीत करो तो कम्युनिकेशन होता है, आधा कम्युनिकेशन आई कॉन्टेक्ट से भी हो सकता है, आधा कम्युनिकेशन हो सकता है साइलेंस में, बहुत लोग गुपचुप एक दो जवाब देंगे, एक प्रश्न का जवाब देंगे या एक बोल में जवाब देंगे, वो भी कम्युनिकेट ज्यादा करते हैं जो 3 मिनट के लिए भाषण देंगे और वो कुछ नहीं बोलेंगे। तो लिसनिंग and to that extent learning, इसकी वजह से खास करके याद रखने के लिए मैंने LOL की फ्रेज ली थी। जी, और इस पे जो आप आई कॉन्टेक्ट से कम्युनिकेटिंग की बात कह रहे हैं, या जो बॉडी लैंग्वेज, या फिर जो कई बार बहुत ज्यादा बोलना, इस पे आपने बकायदा इलेबरेट करके पूरा चैप्टर लिखा हुआ है कि वो किस तरह से कम्युनिकेशन करना चाहिए। एक रॉनी जी बात और करना चाहेंगे कि अपग्रेड के लिए आपका नाम फिलहाल, मतलब अपग्रेड के साथ आपका नाम हमेशा लिया जाता है, और जिस तरह से आपने बिल्कुल इसको रिवॉल्यूशन की तरह से स्टार्ट किया हुआ और ये चीजें चल रही हैं, अपग्रेड के बारे में थोड़ा सा हमें चीजें बताइए कि किस तरह से काम कर रही हैं, क्यों वो आइडिया आया, और किस तरह से उसका फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट आप क्या देखते हैं। ज्यादा करके मैं समराइज करूंगा यही कि सब लोग समझते हैं कि जो एजुकेशन है तो वो कुछ इवेंट है, मतलब आप स्कूल में गए, फिर आप कॉलेज में गए, फिर आप वो ग्रेजुएशन सेरेमनी में टोपी फेंक दी और फिर खत्म हो गई, लाइक एजुकेशन इज ओवर। तो ज्यादा करके मुझे लग रहा है कि अभी सब लोग को साइन करना है लाइफ लॉन्ग लर्निंग के लिए, मतलब एजुकेशन इज नॉट ओवर, कोई दूसरा फॉर्म ले सकते हैं। तो ज्यादा करके अपग्रेड की फोकस है कि इफ आई ऑनलाइन के लिए जो यूनिवर्सिटी आप जाते हैं या कॉलेज में जाते हैं उसके लिए 1 साल 2 साल यू हैव टू लीव एंड डू इट, व्हिच यू कैन डू ओनली व्हेन यू पास स्कूल एंड गॉन टू कॉलेज। पर एक बार आप जॉब में चले गए उसके बाद क्या कर सकते हैं, और वो ही जो ज्यादा लोग हैं तो अभी क्रॉस रोड पे है कि जो जल्दी फैमिली को देखभाल के लिए अंडरग्रेड नहीं किया और सीधा जॉब में लग गए, वो अभी उसके पास 2 चॉइस है, एक कि मैं काम चलते रहे फिर भी मैं ग्रेजुएट कर सकता हूँ, और दूसरी जो यूनिवर्सिटी में कोई भी दिन जा नहीं सकता हूँ वो। तो ऑनलाइन की वजह से जो यूनिवर्सिटी होते हैं वो सिलेक्टिव प्रोसेस होते हैं, मतलब 1 लाख एप्लीकेशन आते हैं और 1000 लोग चुनते हैं। ऑनलाइन के बारे में 1 लाख एप्लीकेशन और 90,000 भी चुन सकते हैं, तो वो सिलेक्टिव प्रोसेस जो यूनिवर्सिटीज के है इसमें थोड़ा एलिमिनेशन प्रोसेस होता है। तो उसकी वजह से कि क्या हम एजुकेशन को मैस करें और वर्किंग प्रोफेशनल्स के लिए करें, उसकी वजह से हम लोग ने अपना शुरू किया। जी रॉनी जी, फिलहाल मतलब ये जो हमारा प्रोग्राम है ये बहुत लंबा चलने वाला, आधे से 1 घंटे तक भी हम बात करते हैं, लेकिन मुझे आपकी टीम की तरफ से बताया गया कि आज आपकी अगली मीटिंग जो है वो शेड्यूल्ड है पहले से ही। तो मैं दर्शकों को ये बता दूं कि पेंगुइन रैंडम हाउस इंडिया से ये किताब आई है, और पर्सनली जो मैंने पढ़ी, मुझे पढ़ के ऐसा लगता है कि फिलहाल जो भी व्यक्ति बाजार में है
जो भी व्यक्ति करियर के लिए परसू कर रहा है उसे ये किताब जरूर पढ़नी चाहिए, क्योंकि इसमें इस तरह से चीजों को इलैबोरेट किया गया है जो आपको लगता है कि एक नई दृष्टि, नया दृष्टिकोण आपको मिलता है देखने के लिए। आप कुछ जाते हुए रॉनी जी अगर इसको कंक्लूड कर सकें। देखो, ये मैंने टाइटल लिखा था स्किलिट किलिट, क्योंकि मुझे जो पिक्चर आया था कि मैं एक समुराई की ड्रेस पहनूंगा और कवर पे आ जाऊंगा, इसलिए वो स्वॉर्ड भी वहां है। क्योंकि अभी से जो भी लोग कोई भी तरीके में ग्रेजुएट हो या काम में लगे हो, 21st century में यू हैव टू बी अ समुराई, यू हैव टू बी डिसिप्लिन, यू हैव टू अंडरस्टैंड, यू हैव टू डू मेनी मेनी थिंग्स। तो आई थिंक सॉफ्ट स्किल्स बहुत महत्वपूर्ण है, और थोड़ा भी कनेक्ट हो सकते हैं ये बुक पढ़ने के बाद कि हाँ, ये भी कुछ करना चाहिए मुझे, तो मुझे लगता है कि इट बी वर्थ माय व्हाइल टू हैव रिटन द बुक। थैंक यू। इस प्रोग्राम में आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया रोनी जी। आप सभी दर्शक अगली सीरीज में नई किताब के साथ हमें देखेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, अपना ध्यान रखिए, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। थैंक यू।